उत्तर प्रदेश के इटावा भरतना विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक सावित्री कठेरिया ने कहा कि बीते कोरोना काल में लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या के चलते और ऑक्सीजन की अचानक अधिक खपत के कारण भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश सरकारों ने ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट खोलने का निर्णय लिया था, जिसके तहत भरतना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी एक ऑक्सीजन प्लांट बनवाया गया था। उन्होंने बताया कि भरतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन युक्त कुल 30 बेड मौजूद रहेंगे। यहां एक साथ 30 मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान दास भदौरिया को निर्देशित किया गया है कि वे टीम गठित कर गांव-गांव, गली-गली डेंगू जैसे खतरनाक मच्छरों पर काबू पाने के इंतजाम करें, ताकि भरतना क्षेत्र को डेंगू रोग से मुक्त रखा जा सके। प्लांट के शुभारंभ के दौरान भरतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर अमित दीक्षित, डॉक्टर जितेंद्र आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। आज भरतना में CHC में ऑक्सीजन प्लांट की उद्घाटन में आए हुए हैं। ऑक्सीजन प्लांट लग गया है और अब जो यहाँ पे जो मरीज आएंगे तो उनके लिए ऑक्सीजन की सुविधा हो गई है, क्योंकि अब जब कोरोना जैसी महामारी आई तो लोगों की ऑक्सीजन की बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करके एक तो भरतना में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। अब यहाँ पे जो मरीज आएंगे उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वहाँ मोती झील जाने की ज़रूरत है और ना सैपई जाने की ज़रूरत है। अब सारी सुविधाएँ मरीजों के यहीं मिलेंगी भरतना CHC पे। मैम, ये सुविधा जो की गई है वो भरतना में की गई है, कितने बेड मिलेंगे उपलब्ध रहेंगे? यहाँ पे 30 बेड हैं, तो 30 बेड ऑक्सीजन प्लांट के उपलब्ध रहेंगे। जो मरीज आएंगे तो उनके यहाँ पे बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था सारी और जो सुविधाएँ हैं उनकी व्यवस्था सब यहाँ रहेगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।